उनके एनवायरनमेंट कैसा है सराउंडिंग में, कौन कौन से फैसिलिटीज़ हैं एंड कितना क्लीनलीनेस है, ये सारे चीज़ें, उनके डॉग्स कितने हेल्दी हैं, उनका हेल्थ कोड मैंने अपने एंड से पूरे तरह से चेक किया है, आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। नमस्कार भाइयों, आज हिसार हरियाणा आए हैं सूरवीर कर्नल मनोज भाई के फार्म पर और इनके बहुत प्यारे आज डॉग्स के साथ खेलेंगे, मस्ती करेंगे और इनके पास इतने प्यारे देखो पप्स भी हो रखे हैं, उनको भी देखेंगे, उनकी क्वालिटी देखेंगे। अभी करंटली डॉग ब्रीडिंग बिजनेस की क्या सिचुएशन है इनसे जानेंगे और कैसा इनका एक्सपीरियंस चल रहा है अभी इसके साथ वो भी जानेंगे। तो चलिए फटाफट मिलवाता हूँ आपको मनोज भैया से और देखते हैं इनके प्यारे डॉग। तो भाइयों मनोज भैया के चैनल पर हैं और सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पे इन्होंने बच्चे खोल रखे हैं और खेल रहे हैं इनके साथ में। कैसे हो भैया? क्या हाल है पारस? और बढ़िया? बढ़िया जी, बढ़िया। और कैसे चल रहा है काम धंधा? एकदम बढ़िया भाई। अच्छा, आज सुबह सुबह आपने सारे अपने बच्चे खोल रखे हैं? हाँ, अपने फार्म के बच्चे हैं सारे? हाँ, सारे खुद के ब्रीडिंग। तो भैया कैसे चल रहा है बिजनेस? बिजनेस बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया वाला। अच्छा, कैसी आ रही है, मतलब डिमांड कैसी? क्योंकि मेरे पास तो पर्सनली मेरे को पता रोड वाले की अभी डिमांड चल रही है, तभी आया आपके पास में। डिमांड अच्छी चल रही है, कई लगा के चलो पीछे मेरे पास मतलब ये लगा लो अराउंड 54 पपीज थे। अच्छा, वो सभी जना का अच्छे घरों में गए, चले गए? हाँ, ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया। इंक्वायरी कैसी आ रही है? इंक्वायरी अच्छी है इस टाइम का। अच्छा। ये लगा लो क्या रोटवेलर की मार्केट वैल्यू, सबसे मेन बात है क्वालिटी जी। वो किसी ब्रीड में वो क्वालिटी हो जी, तो डिमांड है जी। आज तो बहुत बढ़िया टाइम पे आए हैं आप। कैसे? गुजरात से जना एक कस्टमर आई है मैडम। अच्छा, हाँ, और जना ये लगा लो क्या आज तो उन्हीं से आप पूछो क्या अभी पपीज कैसे लगे या जना हमारी हमारा जना क्वालिटी कैसे लगी आपको। पोल खोल देंगे मैडम आपकी, देख लो। हम तैयार हैं खुलवाने के लिए। कहाँ बैठे हैं? अंदर है। चलो एक बार बुला लो उनको, यहीं बुला लो। बिल्कुल, मैं अभी बुलाता हूँ। तो मैम आज आप इनके चैनल पे आए हो, सबसे पहले तो छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे दर्शकों को। हेलो, मैं दीक्षा हूँ, मैं गुजरात से यहाँ आई हूँ, सूरत से। मैं जस्ट 2 डेज पहले यहाँ पे आई हूँ एंड आई रियली लव डॉग्स। मैं इनके कैनाल पे काफ़ी टाइम से सर्च कर रही थी बिकॉज मैंने पहले भी कुछ डॉग्स लिए हैं जो कि मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगे बिकॉज कुछ के इम्यूनिटी में इशू था, कोट में और काफ़ी सारे चीज़ों में इशू रहता। तो दिस टाइम आई थॉट कि मुझे पूरा रिसर्च करना चाहिए एंड देन आई विल बाय अ डॉग। तो आपने मतलब पहले जहाँ से लिए थे जिनकी मतलब इम्यूनिटी आपने कहा कि इशू आए, तो कहाँ से लिए थे वो? एक्चुअली मैंने गुजरात में ही लिए थे, वहाँ पे। अच्छा, वहाँ के लोकल ब्रीडर से लिए थे। यस। तो इनके बारे में पता कैसे चला आपको? एक्चुअली मैंने उनके एक दो मेरे फ्रेंड्स हैं जो हरियाणा से हैं, दे हैव सजेस्टेड देयर कैनाल एंड उन्होंने मुझे उनके डॉग्स भी दिखाए और मेरे कुछ फ्रेंड्स, एक फ्रेंड है उनके पास भी है डॉग, तो मैंने उनका डॉग भी देखा था, दैट्स वाई। तो आई थॉट मुझे एक बार देखना चाहिए और अभी मैं अपना डॉग बुक करने के लिए आई हूँ इन केस मुझे कैनाल पसंद आता है तो। तो मैम आपने यहाँ आके क्या क्या देखा? मैं देख रहा हूँ आप मेरे से पहले आ रखे हो, तो सुबह 8 बजे के आए हुए हो आप और अभी बज रहे हैं 10, ठीक है। तो आपने क्या क्या देखा इनके कैनल पे, मतलब रूटीन देखा? क्योंकि आप आए हैं और 2 घंटा यहाँ पे देख रहे हैं, क्या क्या ऑब्जर्व किया आपने? मैंने इनके फीड्स देखे हैं, एरिया देखा है जहाँ वो अपने डॉग्स को रखते हैं, किस तरह का फूड वो देते हैं, उनके एनवायरनमेंट कैसा है सराउंडिंग में, कौन कौन से फैसिलिटीज़ हैं एंड कितना क्लीनलीनेस है, ये सारे चीज़ें, उनके डॉग्स कितने हेल्दी हैं, उनका हेल्थ कोड मैंने अपने एंड से पूरे तरह से चेक किया है और इन्होंने भी मुझे एक्सप्लेन की हैं कुछ चीज़ें, तो आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। अच्छा भैया, अपने पास पप्स हैं अभी रोड वालर के? हाँ जी, है अभी मेरे पास पप्पी। ये कितने दिन के? आज होगी मेरे पास पप्पी लगभग 24 डेज के हो गए। 24 डेज? हाँ जी। मदर फादर कौन है इनके? फादर है क्राडो वन हाउस ऑफ फ्लिप और मदर मेरे पास स्काइलर स्टेला, वो भी इम्पोर्ट है, दोनों मदर फादर दोनों इम्पोर्टेड है इसमें। तो मैम आज अपने लिए पप्स लेके जाएंगी मतलब, है ना? आज नहीं लेके जाएंगी, ये इन्होंने बुक किया, बुक करने के लिए आई हुई है ये। ये लगभग इन्होंने डिमांड की है कि लगभग 2.5 महीने का पप्पी यानी कि वैक्सीनेशन कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद लेके जाएंगे ये। मैम ऐसा क्यों आपने, 2.5 महीने तो फिर भी बहुत एज बड़ी हो जाती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चा इतना छोटा हो ना उससे अटैचमेंट ज़्यादा बनती है हमारी, तो आपने 2.5 महीने का क्यों कहा? एक्चुअली सर, मेरा लास्ट पपी पार्वो और कुछ इम्यूनिटी इश्यूज़ की वजह से एक्सपायर हो गया था एंड मैं बहुत अटैच थी उससे, तो दिस टाइम मैं चाहती हूँ कि मुझे पूरी श्योरिटी हो इस चीज़ की कि बेबी हेल्दी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ पूरा वैक्सीनेशन होने के बाद बेबी एकदम हेल्दी उसमें मैं लेके जाऊँ। तो क्योंकि मुझे पपी आपका गुजरात जाएगा? यस, मुझे तो गुजरात भिजवा देंगे भैया यहाँ से आप? हाँ, गुजरात भिजवाऊंगा मैं इनका। कैसे जाता है भैया स्टेट, जैसे आप अभी हिसार में हो? हाँ जी। गुजरात तक कैसे पहुँचा हो गया? जैसे गुजरात बाई एयर रहेगा। अच्छा, जैसे कार्गो में बुक किया जाएगा और दिल्ली से सूरत जाएगा।
अच्छा हाँ, बाय एयर जाता है, बाय एयर जाएगा जी। बाकायदा उसके अंदर केज होगा, फ्लाइट केज होता है जो उसके अंदर खाना पीना हर चीज होता है उसके अंदर। अच्छा हाँ, मतलब पूरा उसका मैनेजमेंट करके भेजते हैं। हाँ बिल्कुल हाँ जी। तो आपने ऐसे मदर फादर देखे, आप आपके साथ मैंने देखा कि आप मतलब कंफर्टेबल हो रॉटवेलर के साथ और आप डॉग लवर भी हो, तो कैसे लगे आपको मदर फादर इनके? मुझे दोनों पेरेंट्स बहुत अच्छे लगे, उनका बॉडी फ्रेम, उनका बिहेवियर, वो काफ़ी शांत हैं, बहुत अग्रेसिव नहीं हैं, फ्रेंडली हैं, एंड उनका बॉडी फ्रेम, कोट, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, मनोज भैया के जो रॉटवेलर्स हैं जो इन्होंने ब्रीडिंग कराई है उसकी एक बात है कि जहाँ एग्रेशन दिखाना चाहिए वो एग्रेसिव है, जहाँ पर उसे सिक्योरिटी करनी है, गार्डिंग करनी है, वहाँ वो है, लेकिन जब उनके साथ हम आते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं हमको भी। या दैट्स व्हाट आई वांट, कि मुझे वो थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट के अकॉर्डिंग, कि इमोशनली अवेलेबल रहे एंड सिक्योरिटी पर्पस दोनों के लिए चाहिए, बिकॉज हमारे वहाँ भी फार्म है तो हमें वहाँ के सिक्योरिटी वाइज भी चाहिए। तो मुझे इसी डॉग में दोनों चीज़ें मिल रही है, लास्ट टाइम मेरे पास लैब्राडोर था तो इसीलिए मैंने रॉटवीलर चूज किया है ताकि मेरे दोनों पर्पस फुलफिल हो। अभी विंटर्स चल रही हैं तो विंटर्स के में डाइट क्या दे रहे हैं आप? कुछ ऐसी डाइट बताइए जो मतलब जो ब्रीडर या फिर जो भाई जिनके पास डॉग है वो ही लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, ठीक है ना, उनको भी एक मतलब एक आइडिया मिले क्या देना है अपने पपी को या डॉग को विंटर्स में। देखिए डॉग की मेन डाइट तो नॉन वेज ही है जी, क्योंकि जो कैनाइन हो गया, लेकिन उसके साथ साथ जैसे चिकन राइस हो गया, थोड़ा फूड हो गया, साथ में एग और थोड़ा बहुत इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं जैसे जो जैसे सालमन ऑयल हो गया, इस टाइप से साथ में ज़रूर ऐड कीजिए ताकि उनकी कोट कंडीशन अच्छी रहे जी। उनकी स्किन के अंदर कोट सही रहे और दूसरा कहते हैं इम्यून सिस्टम अच्छा रहे उनका। अभी के टाइम पे डॉग्स ज़्यादा कंडीशन में होते हैं, सर्दियाँ आती हैं जब, है ना, और एक अलग ग्लो आता है, ये गेनिंग टाइम होता है डॉग के लिए, ठीक है। हाँ। कुछ और एडिशनल आप उसमें ऐड करना चाहते हैं जैसे मतलब जो होना ही चाहिए डाइट में? ऐसा कोई ज़्यादा वो नहीं कह सकता मैं कि हाँ बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन बट चिकन या नॉन वेज ज़रूर होना चाहिए, मेन है उसको सोर्स ऑफ प्रोटीन चाहिए, वो आप किसी भी उस रूप में दे कि उसको प्रोटीन डाइट चाहिए। अभी आपके कैनल पे कितने मतलब स्टाफ कितना है, कितने कैनल बॉय हैं अभी इस टाइम? मेरे पास जना तीन स्टाफ हैं जिसमें दो लड़के हैं और एक जो मेन संभालती है मैडम वो हैं। अच्छा भैया, अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, क्योंकि आपने तो मतलब इंडिया लेवल पे सब जानते हैं रॉटवेलर में मनोज यादव को, ठीक है ना, और आपने कोई हवा में बात नहीं, एक पक्का डेडिकेटेड आपने 3000 गज होगा एरिया, इसमें आपने अपना कैनल बना रखा है, पक्का कंस्ट्रक्शन है, लेंटर है, ठीक है ना। अभी कैसा चल रहा है भैया डॉग ब्रीडिंग बिजनेस की अगर मैं बात करूं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह रहा हूं कि जो क्वालिटी में काम कर रहे हैं ना उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है, सिर्फ थोड़ा फर्क पड़ रहा है जो, जो क्योंकि लोगों में क्या अवेयरनेस आ गई अब पहले से। अच्छा, अब पहले से ना एजुकेटेड भी हो गए हैं लोग और क्वालिटी के प्रति अवेयर भी हो गए हैं। अब मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेडर जो ट्रेडिंग कर रहे हैं जी, उनसे लोग बच रहे हैं और हमेशा कोशिश ये कर रहे हैं कि ब्रीडर से सीधा डायरेक्टली जाके और जना पपी ले। जैसे मैम आई आज, हाँ जी, है ना, जैसे मैडम आई आज जी, मोस्टली ये लगा लो महीने के अंदर 4 से 5 लोग ऐसे हैं जो खुद आके और अपना पपी चूज करके लेके जाते हैं। अच्छा हाँ, तो अपने पास पपीज मतलब पूरे साल अवेलेबल होते हैं या फिर? टोटल मेरे पास जना 22 फीमेल है। अच्छा, 22 फीमेल है रॉटवेलर की? हाँ जी जी। तो आपके पास तो साल में हमेशा रहते होंगे पप्स? नहीं, ये तो ये कोई शॉर्टेज नहीं है जी, क्योंकि देखिए जैसे जो पिछले वाला सीजन था गर्मियों का, वो हमारे यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, लास्ट टाइम में जैसे 22 फीमेल है, 22 फीमेलों में से लगभग ये लगा लो 16 फीमेलों ने पप्पी दिए थे मेरे। अच्छा, अरे बच्चे कहाँ कहाँ गए थे इंडिया में? लगभग ये लगा लीजिए मोस्टली साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत गए हैं, बस ये हरियाणा में सिर्फ टोटल 4 पप्पी गए हैं। अच्छा, बाकी आउट ऑफ हरियाणा गए हैं सभी जी जी। तो भैया जैसे आपका इतना नाम है, ठीक है, तो इतना नाम कैसे बना? हालांकि आपको टाइम बहुत हो गया है, ठीक है, पर फिर भी जैसे बच्चे होते हैं तो कैसे लोगों को पता लगता है कि मनोज भैया के पास बहुत अच्छी क्वालिटी में रॉटवेलर्स आए हैं, पता कैसे चलता है, मतलब आप मार्केटिंग कैसे करते हैं इनकी? भैया मेन तो मार्केटिंग नहीं, मेन तो ईमानदारी है जी, ईमानदारी से अपने जना अपनी मेहनत से काम किया जी, और ये मेहनत तो कभी ना कभी तो रंग लाती है जी, और ये लगा लीजिए कभी ये नहीं कि हाँ अगर जहाँ ये कभी लालच में काम किया हो, हमेशा क्वालिटी की साइड में चलाऊँ। तो भैया फाइनेंशियली कैसे चल रहा है, क्योंकि आपके अदर बिजनेस भी हैं, जिम भी है आपका, हाँ जी, ये वाला आपका बिजनेस
मैं शौक के साथ बिजनेस कैसा चल रहा है आपका ये? देखो शौक के साथ शौक भी अच्छा चल रहा है, इसमें बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है जी सब, क्योंकि देखिए जो क्वालिटी में काम करेगा ना उसके लिए दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जब पपी होते हैं ऐसे परिवार में जाता है और उसका उसके जो कहते हैं दाम भी अच्छे मिलते हैं हमें। मेरी कोई मार्केटिंग नहीं है इस टाइप की कि हाँ अभी मैं इतना कहीं से वो कर रहा हूँ, ये हायर कर रखा है कोई मार्केटिंग का आदमी। जी जी मेरे मोस्टली क्या है, जो मैंने पीछे पपी दिया हुआ है जी वो वर्बली जो पुराने कस्टमर हैं उन्होंने ना रिकमेंड किया है और नए न्यू कस्टमर के को कि आप लेना है पपी तो वहाँ से लीजिए, वहाँ से पपी भी मिलेगा और वो क्वालिटी भी मिलेगी आपको। मैं समझ गया, जैसे किसी ने आपकी क्वालिटी देखी कहीं पे, मतलब क्षेत्र में, मतलब पंजाब में एक बंदे के पास आपका रोड पर वो बड़ा है ठीक है, तो वो बंदा सोचता है कि यार ऐसा ही मेरे को अपने घर के लिए चाहिए, तो फिर वहाँ से आपका नंबर मिलता है उन लोगों को, फिर वो आपसे बात करते हैं। हाँ जी है ना, ये मोस्टली यही हो रहा है जी। दोस्तों ये थे हमारे साथ में सूरवीर कैनल के ओनर मिस्टर मनोज यादव और दीक्षा मैम, जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी, अपना एक्सपीरियंस जो ग्राउंड रियलिटी है उससे हमें रूबरू कराया। मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।